सियासतदान अमूमी तौर पर सुनी सुनाई बातों और मफरूजों को लेकर बड़े बड़े दावे कर देते हैं जिनका दरअसल हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और ऐसा ही कुछ वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल के साथ हुआ। सरताज गुल वजीर ने ट्विटर पर पिघलती गाड़ियों और एक दरख्त के नीचे बैठे आदमियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दरख्त लगाएं वरना ये हाल होगा, गर्मी इसको कहते हैं। सऊदी अरब और कुवैत में 62 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी, इसका हल ये है और आगे आपकी मर्ज़ी, दरख्त लगाएं या ना लगाएं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अरब मालिक में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि गाड़ियों की लाइट्स और बम्पर्स तक पिघल गए? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ये तस्वीर दरअसल आतिशजदगी के एक वाक़े की बात की हैं और किसी अरब मालिक की नहीं बल्कि एरिजोना की हैं, जो सूरज की तपिश नहीं बल्कि आग की शिद्दत की वजह से पिघली हैं। जून 2018 में एरिजोना यूनिवर्सिटी के करीब मिड टाउन की एक कंस्ट्रक्शन साइट फ्यूचर स्टूडेंट हाउसिंग कम्प्लेक्स पर आग भड़क उठी थी, जो इस कदर शदीद थी कि इसकी तपश से गाड़ियों की लाइट्स, बम्पर्स, मकानों की खिड़कियाँ और यहाँ तक के एक क्रेन भी पिघल गई थी। करीबी इलाकों से रेड क्रॉस ने 41 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। इन कारों को होने वाले नुकसान की वजह से गैर मुल्की तलबा को ज़्यादा माली मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। इस तरह सरताज गुल वजीर का इन तस्वीर को इस्तेमाल करने की हकीकत सामने आने पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मजीद नई वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।